हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज है 4 जुलाई। एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हम उन्हें यहाँ सॉल्व करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के बाद किस राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं सिक्किम, असम, उत्तर प्रदेश और केरल। तो अभी हाल ही में दिल्ली के बाद असम राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है, तो इसमें उत्तर ऑप्शन बी असम सही है। असम के गुवाहाटी में प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर है और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और इस समय असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स का विमोचन किसने किया? ऑप्शंस हैं वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर और अमित शाह। तो अभी हाल ही में द फ्यूचर ऑफ हाई एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स का विमोचन वेंकैया नायडू ने किया है। वेंकैया नायडू हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। इस पुस्तक को सीएवी पट्टाभी राम द्वारा लिखा गया। इस वर्चुअल इवेंट को आईसीटी एकेडमी द्वारा होस्ट किया गया था। वेंकैया नायडू के बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में कोमोरोस के हायर सिविलियन ऑनर से इन्हें सम्मानित किया गया था, जिसे ऑर्डर ऑफ ग्रीन क्रिसेंट कहते हैं। और इन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लिसनिंग, लर्निंग और लीडिंग, जिसका विमोचन अमित शाह जी ने किया था। तीसरा क्वेश्चन है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है उर्जित पटेल, रघुराम राजन, चक्रवर्ती रंगराजन और शक्तिकांत दास। तो अभी हाल ही में चक्रवर्ती रंगराजन जी को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसमें उत्तर ऑप्शन सी चक्रवर्ती रंगराजन सही है। ये आरबीआई के 19वें गवर्नर थे जो दिसंबर 1992 से नवंबर 1997 तक कार्यरत थे। हाल ही में नेशनल स्टेटिस्टिक डे 29 जून को मनाया गया था, जो पीसी महालनोबिस के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। आरबीआई के वर्तमान में शक्तिकांत दास जी गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस है 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई। हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया गया है, तो इसमें उत्तर ऑप्शन सी 2 जुलाई सही है। विश्व खेल पत्रकार दिवस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन द्वारा मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1924 को हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्राज़ील। अभी हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस में कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर हैं, यूनेस्को के हेडक्वार्टर है और OECD के भी हेडक्वार्टर हैं। इस समय फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो अभी हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला किया है, तो इसमें उत्तर ऑप्शन बी झारखंड सही है। झारखंड के देवघर में हर साल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक की इसमें पूजा होती है। इसे कोरोना वायरस के चलते स्थगित किया गया है। झारखंड की बात की जाए तो हाल ही में झारखंड में नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना भी शुरू की गई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, गवर्नर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं और राजधानी रांची है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एपेक्स समिट 2021 को रद्द करने का फैसला किया है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी। तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट 2021 को रद्द करने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जैसिंडा अर्डन है और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। एपेक की बात की जाए तो एपेक का फुल फॉर्म
एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। एपेक की स्थापना नवंबर 1989 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर सिंगापुर में है और एपेक के अध्यक्ष मोहिनुद्दीन यासीन हैं। आठवां क्वेश्चन है, इंडियन एयर फोर्स ने टिड्डी दल से निपटने के लिए किस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू किया है? ऑप्शंस हैं MI-17, MI-25, चेतक और MI-26। इंडियन एयर फोर्स ने टिड्डी दल से निपटने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू किया है, तो इसमें उत्तर ऑप्शन ए MI-17 सही है। नाइन्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर उपा रोका मलवा का निधन हुआ है? ऑप्शंस हैं मिजोरम, सिक्किम, असम और उत्तराखंड। तो अभी हाल ही में मिजोरम के पूर्व विधानसभा स्पीकर उपा रोकम लोवा का निधन हुआ है, तो इसमें उत्तर ऑप्शन ए मिजोरम सही है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा है और मिजोरम के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं HDFC, ICICI, कैनरा बैंक और SBI। हाल ही में HDFC बैंक ने किसानों के लिए ई किसान ऐप लॉन्च किया है, तो इसमें उत्तर ऑप्शन ए HDFC सही है। ये ऐप बैंकिंग और कृषि संबंधित ऐप है। इस ऐप में अनाजों के संबंधित रेट्स और लोन के बारे में जानकारी मिलती है। HDFC के CEO आदित्य पुरी हैं। HDFC का मुख्यालय मुंबई में है। HDFC की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।